हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग ऑरेंज पील पाउडर से फेस पैक बनाएंगे। ये फेस पैक आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाएगा, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सनटैन को भी रिमूव करेगा, साथ ही आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। तो आइए इस मैजिकल फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज पील फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेंगे। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश संतरे के छिलके को भी पीस कर यूज कर सकते हैं। संतरे के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करता है। ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। ये हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है और साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट कर बहुत ही सॉफ्ट और सफल भी बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/4 चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाती है और साथ ही हमारी डल और ड्राई स्किन को बहुत ही रेडिएंट बनाती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है, साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए ये हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सफल बनाती है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन भी करती है। और अब हम लास्ट में इसमें 3-4 चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये हमारे स्किन पर से एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करता ही है, साथ ही हमारे स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा ऑरेंज पील फेस पैक बनकर एकदम तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली स्प्रेड करें। और इसे इस तरह इवनली स्प्रेड करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20-25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 20 मिनट बाद इसे हल्के हाथों से रब करते हुए आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। और इसके एप्लीकेशन के आप तुरंत बाद ही देखेंगे कि आपको जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो पहले से कहीं ज्यादा लाइटन और ब्राइटन दिखाई देने लगेगा और साथ ही आपकी स्किन पर एक अलग ही तरीके का ग्लो आ जाएगा। पर मेक श्योर कि अगर आप इस फेस पैक के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई जरूर करें। और इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सनटैन रिमूव हो जाएंगे। आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आप भी इस फेस पैक को जरूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।